वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरबप्रीत कौर, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह पॉडकास्ट विच तुहाडा स्वागत करदी हाँ। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष विच अज दा लेख गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरचेला तुहाडे अगे रख रहे हाँ। गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रतिभा बहुपक्षी भी है अते हर पक्षों संपूर्णता का प्रतीक भी है। गुरु गोबिंद सिंह जी नाल ही गुरु नानक देव जी की जोत के स्वरूप जीवन के कारज चिंतन ते उदेश बोल ते बाणी सिख लहर ते सिख संगत प्राप्ति ते प्रामाणिकता नू संपूर्ण होन दा मान प्राप्त हुंदा है। जे गुरु जोत दा आद रूप गुरु नानक देव जी हन ता अंतिम रूप गुरु गोबिंद सिंह जी ही हन। गुरु गोबिंद सिंह जी आद गुरु दा ही सहज सुभा विस्तार हन। दिसन या देखन नू काया बेशक हर एक गुरु दी वखरी है, पर अध्यात्मक भावना सदाचारक ते समाजक दृष्टि सभ्याचारक ते राजनीतिक सोच विच बुनियादी कोई फर्क या बदल नहीं। सारे ही बाणी सिरजनहार गुरु अपने आप नू नानक अखवांदे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी दसा पातशाहियां दा स्वरूप है। संगत खालसा हो गई है, सिख लहर दा जथेबंदक रूप पंथ दा रूप ग्रहण कर गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी दी प्रतिभा दी वाह वाह विशेषता ते विलक्षणता यह है कि उन्होंने बादशाह ते दरवेश हुंदिया जिथे संत ते सिपाही राज ते जोग धर्म ते युद्ध प्यार ते संघार दे करतवा नू बड़ी सफलता नाल निभाया है। उथे समर्पित सेवा सहज ते सिरजना दे बहुपक्षी खेतर विच वी संपूर्णता दियां छोहां प्रदान करके हर पक्षों एकता बराबरता ते सद्भावना दे पंथक आदर्शां नू जिवें वडियाईयां है उसका सिट्टा ही है कि समकाली भाई गुरदास जी गुरु गोबिंद सिंह जी दी प्रतिभा नू वाह वाह दी सिमरति नाल याद करदे हन। आपे गुर प्रतीक है गुरु गोबिंद सिंह जी का, ते चेला भी प्रतीक है गुरु गोबिंद सिंह जी का। भारती बोली ते संस्कृति विच गुरु सदा गुरु रहा है अते चेला सदा चेला रहा है। सिख संकल्प विच गुरु का भाव है जिसका अंग अंग हर जोत दे प्रकाश नाल शिंगारिया होया भी है अते हर जोत दे प्रकाश नाल अपने सिख चेला नू एक सुर ते एक रूप करके बिल्कुल अपने वर्गा एक होर जोत स्वरूप विच सिरज सवार सके। गुरु परंपरा विच आद ते स्थापित गुरु केवल गुरु नानक देव जी ही हन, पर बाकी नौ गुरु रूप पहला गुरु सिख चेला सन। जदों गुरु विचार द्वारा सिखी सिख्या विच सिख चेला परवान हो गया, गुर शब्द सच विच समा गया, नदर निहाल दी खुशी ते पातशाही प्राप्त कर गया, ता ओ सिख चेला नानक राज दा अधिकार प्राप्त करके बिल्कुल अपने गुरु वर्गा रूप स्वरूप ग्रहण करके कुदरती नूर भी बन जाता है अते गुरु सिंघासन उते भी बैठ जाता है। गुरु अंगद देव जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक हर गुरु नू सिखी सिख्या दी काल कमाई करनी ही पई। काल कमाई दा रूप पावें आपा समर्पित करना सी या साधना सी या सहज ते शहीद दी क्रिया विच जीवना सी या गुरु हुकम पालना सी या मीरी पीरी दे शस्त्रा नाल अपने आप नू शिंगार के पत सेती अधिकार नू प्राप्त करना सी या सिख लहर नू जथेबंदक करके सच राज दी स्थापति लई कौमी बल नूं प्रचंड करना सी जा सरबंस वार के वी गुरु पंथ दे आदर्शां नूं उच्चा ते बुलंद रखना सी। पर यह अध्यात्मक ते इतिहासक सच है कि हर किसे गुरु चेले नूं गुरु बनन दा मौका ते मान प्राप्त सी। सिख चेला ओ गुरु बन सकिया जिसने गुरु हुकम नूं पाल के होमे हनेरा छड काल कमाई विच गुरु नाम निशान दी प्राप्ति कीती। गुरु जोत ते जोत गुरु बनन दे जगान
दी परंपरा भी सिख धर्म विच विलक्षण है। ते पहला गुरु बन के फिर जीउंदियां ही गुरु रूप छड़ के सिख चेला बन के गुरु दी जयकार करन दी भावना भी सिख धर्म विच बड़ी प्रचंड है। आप ही गुरचेला दा नाटकी ते वचित्र प्रदर्शन स्पष्ट रूप विच पहली बार 30 मार्च 1699 ईस्वी नूं श्री आनंदपुर साहिब दी धरती उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही दिखाया है। विसाखी दा दिवस है, दीवान सजिया होया है। गुरु दर्शन दीदार लई ते गुरु फरमान सुनन लई पंजाब तो ही नहीं सारे भारत विच्चों सिख संगत रूप विच जुड़े हुए हन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने हसत कमल विच नंगी तलवार फड़ी हुई है ते बड़ी वचित्रता नाल आ खड़े हुंदे हन। बड़े प्यार अते वंगार नाल फरमान करदे हन कि मैनू एक सिख दा सीस चाहिदा है। चूंकि फरमान 75 सी ते पहली वार प्रकाश होया सी इसलिए आश्चर्यता दा सहज सुभाव प्रगट होना लाजमी सी। ऐसा प्रगट होया भी पर जेड़े सिख सिखी नाल जुड़े होन करके सदा ही तन मन ते तन गुरु हुकम लई समर्पित रखते सन। पहला उना विच्चो एक दया राम उठिया ते कहन लगा, हजूर मेरा सीस हाजिर है। गुरु गोबिंद सिंह जी दया राम नू नाल लगे तंबू विच लै गए। जदो वापस दीवान विच आए ता चेहरे उते झा जलाल सी ते तलवार लहू नाल भिजी होई सी। फिर फरमान प्रकाश होया कि एक होर सिख दा सीस चाहिदा है। फिर वारी वारी 3 वारी होर सीस मंगे। इस तरह भाई दया राम, भाई धर्मदास, भाई हिम्मत चंद, भाई मोकमदास ते भाई साहेब जी ने सीस पेट कर दिते। फुरमान नू मन्ना, मनन विच सीस तली उत्ते रख के पेट करना ए प्रेम दा प्रगटावा करना भी सी। सही अर्थां विच गुरु दा सिख बनना भी सी, विशेष तौर ते सिखी विच परवान होना भी सी। यही कारण है कि जदों सच रंग, नाम रंग, सहज रंग ते गुरु रंग विच रंग के 5 सिखां नू तंबू तो बाहर ते संगत विच लियांदा गया ता वाह वाह गोबिंद सिंह ने बड़ी गर्जदी ते निग नाल शिंगारी आवाज विच किया कि ऐ सिख मेरे 5 प्यारे हन। जिवें गुरु नानक देव जी नू सिखां पुत्रां विचों केवल भाई लहना जी ही प्यारा ते पहला परवान सिख लगा सी ते उन्हां अपने अंग नाल ला के भाई लहना जी नू इन्ना प्यार किया कि प्यार पेट वाले नू सलामत नानक राज दी गुरता प्रदान कर दित्ती सी। इसे तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी 5 प्यारियां नू शब्द गुरु दी ताबिया बिठा अमृत छका के सिंह रूप विच सजा सवार के गुरु रूप होन दा अमर मान वरदान बख्श दिता। जदो 5 सिख प्यारे गुरु गोबिंद सिंह जी कोल अमृत प्राप्त कर रहे सन तां गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें नानक दे रूप विच गुरु सन ते जदो गुरु रूप 5 सिखां प्यारियां दे सन्मुख खड़े हो के गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु कृपा द्वारा प्राप्त कीती अमृत दा दात मंगदे हन तां उस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी दा रूप सिख चेला दा रूप है। सिख चेला ने सदा गुरु कोलों ही अमृत प्राप्त करना है। गुरु नानक देव जी तो लै के गुरु गोबिंद सिंह जी तक सच अमृत, नाम अमृत, शब्द अमृत, बाणी अमृत, सहज अमृत ता सारे गुरु पातशाह कोल ही सी। अमृत जीवन गुरु दा सी जा सिख दा सी। ओ जिथे भी जांदा या रहंदा सी आले दुआले आत्मक पद्धर उत्ते अबिचल नगर, बेगमपुरा, सचखंड, सच्ची दरगाह, निरंकार दा देश ते आनंदपुर सिरज लैंदा सी। 10 गुरु पातशाहियां विच्चों गुरु गोबिंद सिंह जी दी विशेषता ते विलक्षणता ऐ है कि उन्हां ने धरती उत्ते साकार रूप विच आनंदपुर भी सिरजिया, प्रेम करन नू सीस देन दे बिंब ऐ भी सिरजिया,
अमृत जीवन नू खंडे बाटे ते बाणी द्वारा तैयार किया अमृत प्रदान करके सच्चा अमर रहन दा स्रोत भी सिरजिया। सिख नू सिंघ, संगत नू खालसा, ग्रंथ अते पंथ नू गुरु भी सिरजिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।